अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं दम का गोश्त। बहुत ही इजी, झटपट, घर के हाजिर मसालों से क्विकली बन जाएगा। चलिए बनाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट की आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए सबसे पहले एक मसाला पीस लेते हैं। तो ये है 7 से 8 बादाम, 4-5 लौंग, 4 हरी इलायची, आप 4 से 5 ले सकते हैं, 15 काजू लिए क्योंकि मेरे छोटे थे, आपके बड़े हो तो आप 10 ले सकते हैं, 1 डांडी दालचीनी की छोटी थी, और ये 4-6 काली मिर्च 6 लिए हैं मैंने, और ये 1 टेबल स्पून भरकर ये लिया है नारियल का बुरादा। अब ये सारी चीज़ों को एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें, या फिर मेरी तरह मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ और उसे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर होए तक इसे पीस लीजिए। ऐसे ये देख लीजिए, और इसे अभी साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज की प्याज का बिरिस्ता बनाकर साइड पर रखा है, अभी फ्रेशली बनाया है, और ये है 1/2 किलो मटन गोश्त। इसे धो के नितार कर मैंने ये एक पतीली में डाल दिया है। अब इसमें डाल दीजिए सबसे पहले तो नमक स्वाद अनुसार, मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, 2 छोटी चाय की चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 1 या 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, मैं 1/4 डाल रही हूँ, और 1 या 1.5 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए, मैं स्पाइसी वाला 1 डाल रही हूँ, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कप दही, और ये जो 2 बड़ी प्याज का मैंने बिरिस्ता बनाकर रखा था, मैं हाथों की मदद से इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, क्रश करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। हाँ, ये भी सारा डाल दीजिए। अच्छा, बिरिस्ता मैंने जिसमें बनाया था ना, मैं वही तेल डाल रही हूँ 1/2 कप, और 2-3 टेबलस्पून असली घी के डाल दीजिए। अच्छा, पूरी तरीके से आप असली घी में बनाना चाहते हैं तब भी आप बना सकते हैं ये वाली रेसिपी को, और 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच से भी कम डाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने 1 डाला, और ये जो हमने मसाला सबसे स्टार्ट में पीस के रखा वो भी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे ढक कर फ्रिज में तकरीबन 2 या 4 घंटे के लिए रहने दीजिए। मैं इसे नेक्स्ट डे बनाऊंगी, तो आप ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मसाला इसमें आएगा, मटन में चढ़ेगा तो और ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, आपको टेस्ट और ज़्यादा बेहतर आएगा। तो मैं इसे ढक कर फ्रिज में रात भर रहने देती हूँ, अब नेक्स्ट डे करूंगी इसका। ये नेक्स्ट डे हो चुकी है, आपने 2-3 घंटे भी रखे हो तो कोई बात नहीं, चूल्हे के ऊपर रख दीजिए और फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब फास्ट आंच पर रख दे तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फास्ट आंच पर इसे पकने दीजिए, बार बार चलाते रहिए। जब 6-7 मिनट हो जाती है तो आप देखेंगे कि हल्का, ये देखिए 6-7 मिनट हो गई, हल्का पकने टाइप हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका था, तो यहाँ पर मैं 1 से 1.25 कप पानी डाल रही हूँ। आप 1 कप डालें, मैंने 1.25 कप डाला है, और इसे एक बार चला लें और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाए तब गरम तवा यहाँ सबसे पहले तो नीचे रखिए, और चूल्हा मैंने फास्ट किया है अभी फिलहाल, और ये जो पतीली है उसके ऊपर रख दीजिए, फॉइल पेपर से ढक दीजिए, और 1-2 मिनट तक जब अच्छा गर्म हो जाए ना तवा, तो वैसे भी गर्म ही था, और ज़्यादा गर्म हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, ये ढक्कन ढक दीजिए फॉइल पेपर के ऊपर, कुछ वजन रख दीजिए, और तकरीबन तब तक पकने दीजिए स्लो आंच पर जब तक हमारी जो मटन ही नहीं गल जाता, तब तक तकरीबन मैं 1 से 1.25 घंटा रख रही हूँ। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हो अगर आपको जल्दी बनाना है तो, लेकिन फिर मज़ा ही क्या आएगा, क्योंकि इसका नाम ही है दम का गोश्त, यानी दम पर ही पकेगा तो ही और बेटर टेस्ट आएगा ना। और आपको ये लग रहा है कि 1.25 घंटा बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कीजिए, जब आप मैरिनेट करने मटन को रखे थे अगले दिन या 3-4 घंटे पहले, तब आप 1 छोटा चाय का चम्मच ये जो पपैया आता है ना, कच्चा पपैया, या फिर कोई टेंडराइजर, मीट टेंडराइजर, 1 छोटा चाय का चम्मच डालकर मिक्स कर लीजिएगा, या कच्चा पपैया डालकर मिक्स कर मैरिनेट कीजिएगा, तो इस समय सिर्फ आपको 1/2 घंटा लगेगा पकाने के लिए।
चलिए 1.25 घंटा हो चुका है, मैंने एक भी बार बीच में नहीं खोला था, क्योंकि ये दम का गोश और दम पर स्लो आंच पर पकेगा तो उसका कस निकलेगा, मटन का मसाला एक दूसरे में मिक्स होगा। और ये चलिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये दम का गोश। अच्छा देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि मटन हो गया है कि नहीं। ये देखिए मेरा प्रॉपरली मटन गल चुका है जैसे आप देख सकते हैं। अब चूल्हा कर दीजिए बंद, और मैंने क्या किया था, तवा नीचे रहने दिया था और ढक दिया था नॉर्मल ढक्कन से, और 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के फिर सर्व किया था। तो बाय द टाइम वो नीचे तवा था ना, तो और थोड़ा पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो गई थी मेरी ये जो ग्रेवी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गाढ़ी नहीं और पतली है, तो आप फास्ट आंच पर इसे पानी सुखा लीजिए। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है तो आप क्या कीजिए, 1/4 या आधा कप पानी गरम करके इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिएगा और स्लो आंच पर पकने दीजिए 4-5 मिनट, जब तक तेल ऊपर नहीं छूट जाता। मुझे परफेक्ट लग रही है, तो मैं कोथमीर और हरी मिर्चियां स्लिट करी हुई डाल रही हूँ और चूल्हा कर देती हूँ बंद। अच्छा आपको कलर थोड़ा और ज्यादा रेड वाइब्रेंट चाहिए, तो आप क्या कीजिए, कश्मीरी लाल मिर्च है ना, आप ज्यादा डाल दीजिएगा, 1/2 छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, तो कलर आएगा इसमें। मुझे परफेक्ट लग रहा है और टेस्ट में इतना मज़ेदार है, एकदम मज़ा आ गया खा के, आपको भी मज़ा आएगा। अच्छा इसे रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपके लिए। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की, और इजी भी थी जैसे आपने देखा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके ये वाली वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा इसके फीडबैक्स, मुझे आपके फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।